डेरिवेशन के बारे में तो आप सबको मालूम है, CS101 वो लिख के दिया है। तो ये हमने एक मॉडल लिया था कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो हम करने वाले हैं, किस तरह से प्रोग्रामिंग का एक मॉडल बनाया था। तो एक बुद्धूराम कंप्यूटर बनाया कि किस तरह से कंप्यूटर बिहेव करता, बिल्कुल जिस तरह से हमने उस बड़ी हिदायतें लिखी थी फेरनहाइट टू सेंटीग्रेड ट्रांसलेट करने के लिए, कि एक हम एक डम्बो असिस्टेंट को बोल रहे हैं उसी तरह का, ये भी डम्बो है, ये डम्बो कुछ भी कंप्यूटेशन सब तरीके के कर सकता है, इसलिए हम उसे कंप्यूटर बोलते हैं। बस उसे याद नहीं रहता कुछ, तो याद रखने के लिए उसे कुछ मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने मेमोरी मॉडल बनाया था कि भाई कंप्यूटर जो है डम्बो, ये अपनी याददाश्त ठीक न होने की वजह से कोई भी माहिती है वो दराजों में रखता है। एक कपाट है, वो दराज खोल के उसमें एक 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 वैल्यू रख सकता है वो, और इन दराजों के नाम दे दिए ABCD इस तरह के। अब हर दराज में वो एक वैल्यू रख सकता है। तो हमने कहा था कि भाई वो डम्बो जो है वो कभी न्यूमेरिकल वैल्यू भी रख सकता है, कोई एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो वो भी रख सकता है, इसे नाम लिख दिया कोई। बस दो चीज़ें हमें याद रखना जरूरी है कि हर दराज में खाली एक ही वैल्यू रहे, एक साथ 427 और 290, ये दो अलग अलग वैल्यू एक दराज में नहीं रह सकते, एक दराज में एक ही वैल्यू रहेगी। तो ये जानना जरूरी है कि डम्बो के जो दराज है, जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका, वो एक लोकेशन में एक वैल्यू रहेगी एक बार। वो वैल्यू कहाँ से आएगी? तो वैल्यू या तो हम देंगे तब जाएगी, उसको बोलते हैं इनपुट ऑपरेशन, या फिर डम्बो कुछ कैलकुलेट करके उसमें रखेगा तब जाएगी। तो खाली दो ही तरीकों से वो मेमोरी के दराज में वैल्यू आ सकती है, या तो इनपुट ऑपरेशन हो, कोई वैल्यू बाहर से दी जाए, या डम्बो कुछ कंप्यूट करे, हमने बोला है, हिदायत दी उसको कि ये कैलकुलेट करो और वो वैल्यू वहाँ रख दो, तो वहाँ मर रहा। अब चूंकि दराज है तो हम ये सोच सकते हैं कि दराज खाली भी होंगे। कंप्यूटर की मेमोरी कभी खाली नहीं होती। क्यों खाली नहीं होती? हमने जो प्रोग्राम लिखे, हमारा जो एग्जीक्यूशन चल रहा है, उसके पहले कल रात को परसों किसी और ने कंप्यूटेशन कुछ किया होगा, कोई और प्रोग्राम चला होगा। अब वो दराज तो एक ही है कपाट उसके पास, कोई भी प्रोग्राम चलाना तो वही चलाएगा। तो हो सकता है उन दराजों में पहले की कोई वैल्यू आके बैठी हुई। असल बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से कंप्यूटर की मेमोरी बनती है, उससे जो लोकेशन बनते हैं, वो लोकेशन खाली कभी नहीं होते। वो लोकेशन में या तो 00000 रहेंगे, या कोई आर्बिट्ररी बिट कॉम्बिनेशन रहेगा जिससे डिजिटल 01 रहता है। तो इसका मतलब हर लोकेशन में कोई ना कोई वैल्यू पड़ी रहेगी हमेशा। अगर हमने वो वैल्यू वहाँ नहीं रखी है इनपुट ऑपरेशन के जरिए, या अगर कंप्यूटर डम्बो ने कुछ कैलकुलेशन करके वैल्यू वहाँ नहीं रखी है, तो हमें कोई अधिकार नहीं उस वैल्यू को हम यूज़ करें, क्योंकि हमने नहीं रखी वहाँ, हमारे प्रोग्राम से नहीं आई है। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम बोलते हैं अनडिफाइंड वैल्यूज। हमें मालूम नहीं है कि वो वैल्यू क्या है, लेकिन ये समझना गलत होगा कि हर दराज में जीरो वैल्यू पड़ी हुई मिलेगी आपको, या कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो ये जानना जरूरी है कि कुछ वैल्यूज़ अननोन या अनडिफाइंड हो सकती हैं। अब डम्बो इनपुट आउटपुट कैसे करता है? तो एक हमने एक सोचा कि भैया एक उसके पास एक हाथ गाड़ी है, वो गाड़ी लेके ठेला लेके, ठेले में नंबर जो हम देंगे, जो भी वैल्यू देंगे, वो लेके जाएगा, दराज में रखेगा। उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं C in > B। अब हमने ये भी सोचा कि भाई इस तरीके से उत्पटांग ये क्यों लिखा है हमने? अंग्रेजी में तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, हमें बोलेंगे इनपुट रीड गेट ऐसा बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे कि ये पढ़ो, नंबर जो हम दे रहे हैं पढ़ो और दराज में रखो, ऐसी हिंदी में हिदायत देंगे। तो ये क्यों इस तरह से हिदायत दे? तो ये हिदायत देने के जो तरीके होते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखने के तरीके होते हैं, हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल रहते हैं। चूँकि हम नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, जैसे अंग्रेजी में हम बोलेंगे जो हिंदी में नहीं बोलेंगे। अंग्रेजी में हम सवाल पूछ सकते हैं, यही यही सेंटेंस, यही वाक्य, यही शब्द क्यों प्रयोग किए? क्योंकि उस भाषा का वो नियम है। तो इसी तरह हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, तो जो भी भाषा के नियम होंगे, जो भाषा में शब्द होंगे, उन्हीं का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो जिस तरह से हम कार के इंटरनल के बारे में अभी जानना नहीं चाहते, खाली कार चलाना चाहते हैं, उसी तरह से हम हिदायतों को ऐसा क्यों लिखना चाहिए इसके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन क्या लिखना चाहिए ये हम समझ लेंगे। तो अगर हमें कोई इनपुट वैल्यू कंप्यूटर को देना है, तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम C in ही लिखेंगे, उसके बाद > > ऐसे दो सिंबल ही लिखेंगे, और उसके बाद एक मेमोरी लोकेशन का नाम लिखेंगे। इसका मतलब होगा मिस्टर डम्बो, हम जो भी वैल्यू देंगे वो वैल्यू लेके आप B नाम के दराज में रख दीजिए। तो ये इनपुट इंस्ट्रक्शन।
इसलिए मैंने सवाल पूछे कि ऐसा ग्रेटर ग्रेटर क्यों लिखा, यहाँ पे लेस लेस क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे एरो क्यों नहीं लगा, यहाँ पे रीड द वैल्यू एंड पुट इट इन लोकेशन बी ऐसा इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं लिखा। तो ये अपने अपनी भाषा के अपने अपने विचित्र नियम है, सी प्लस प्लस में ये नियम। तो डम्बो हमसे एक वैल्यू लेगा, वो मेमोरी लोकेशन में रख देगा, उस मेमोरी लोकेशन में अगर पहले कोई वैल्यू होगी तो गायब हो जाएगी। इस पूरी स्लाइड का सबसे महत्व का मतितार्थ यह है कि जब भी कोई इनपुट ऑपरेशन होगा तो हमसे एक वैल्यू कंप्यूटर लेगा और वो उस मेमोरी लोकेशन में रख देगा, पहले जो वैल्यू होगी वो मटिया मेट हो जाएगी, वो मिटा दी जाएगी। कैन यू यूज कैन एफ इन प्लेस ऑफ सी इन? ऑफकोर्स यस, यू कैन यूज वराइटी ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो विच वी शैल डिस्कस। उनका कहना है कि क्या हम स्कैनएफ यूज कर सकते हैं, तो स्कैनएफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्क बताता हूँ। कल हम अगली क्लास में देखेंगे कि अलग अलग टाइप की वैल्यू रहती है। जैसे हमने कल एग्जाम्पल भी देखा, कोई इंट था, कोई फ्लोट था, कोई स्ट्रिंग होगा। यह सी इन जो कमांड है यह इतनी पावरफुल है कि किसी भी टाइप की वैल्यू और किसी भी लोकेशन में आपको जो उस टाइप की वैल्यू रख सकता है वो आप सी इन कमांड से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्कैनएफ लिखना है तो अलग टाइप की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे ये परसेंट डी नहीं लिखेंगे, आप परसेंट कुछ लिखेंगे, फिर परसेंट कुछ लिखेंगे। मतलब जिस टाइप की वैल्यू है उस टाइप के हिसाब से वहां पे अक्षर आएगा स्कैनएफ। और ये समझना आसान नहीं है, हम समझेंगे इसी कोर्स में, आगे जाके हम स्कैनएफ के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन शुरू में हम क्यों अपनी जिंदगी तबाह कर ले, ये अक्षर यहाँ लिखो वो अक्षर, पहले ही काफ़ी मुसीबतें हैं। ग्रेटर ग्रेटर है, सी इन है, उतना काफ़ी। तो हम लोग सरल रखना चाहते हैं शुरू के कुछ कक्षाओं में, शुरू के कुछ क्लासेस में। धीरे धीरे जब हम आगे और पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, तो स्कैन एफ, प्रिंट एफ, ये सब फंक्शन पूरी तरह से पढ़ेंगे। अभी उसके बारे में अभी ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं। ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन है कि हमें कंप्यूटर के मेमोरी दराज में उसने डम्बो ने कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके रखी है या हमने दी है उसको, हम वो चाहते हैं कि वो कंप्यूटर वैल्यू हमें दे दे वापस, आउटपुट दे दे, तो उसको सी आउट लिखेंगे। तो देखिए सी इन और सी आउट वैसे समझने में दिक्कत नहीं है ज़्यादा। सी इन का मतलब इनपुट, सी आउट का मतलब आउटपुट, और खाली वो क्या लेना है क्या देना है उसका नाम हम दराज पर जो भी मेमोरी लोकेशन है उसके नाम से देंगे, तो वो नाम लिखा है। और हमें ये याद रखना है कि लेस लेस लिखें या ग्रेटर ग्रेटर। तो जितनी भी वैल्यूज हम रख, एक कंप्यूटर को बताए कि हमें ये वैल्यू दो, वो वैल्यू दो, तो हम लेस लेस ए, लेस लेस जी, लेस लेस को एफ, ऐसे लिख सकते। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन में फ़र्क यह है कि इनपुट ऑपरेशन में हम एक वैल्यू देते हैं और वो जब मेमोरी के दराज में जाती है तो ओरिजिनल वैल्यू गायब हो जाती है वहाँ से, उसकी जगह नई वैल्यू आ जाती। लेकिन आउटपुट ऑपरेशन जब हम करते हैं तो वो दराज में जो खोल के देखता है वैल्यू, वो वैल्यू हमें बताता तो है लेकिन वो पुरानी वैल्यू वहीं रखी रहती, वो वैल्यू डिस्टर्ब नहीं। सो इनपुट ऑपरेशन इज डिस्ट्रक्टिव, आउटपुट ऑपरेशन इज नॉन डिस्ट्रक्टिव। आउटपुट ऑपरेशन में वैल्यू की कॉपी हमें मिलती है, इनपुट ऑपरेशन में ओरिजिनल वैल्यू गायब हो जाती है। और फिर तीसरी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन जो है ये जैसे इनपुट ऑपरेशन का एक एग्जाम्पल है कि गिव वैल्यू फॉर बी लिखा, फिर बी की वैल्यू दी। ये मैं आपको बताना भूल गया कि आउटपुट ऑपरेशन में एक आउटपुट ऑपरेशन है जिसमें हम एक कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग भी लिखी थी, इसी तरह से लिखी थी प्रोग्राम। तो ऐसी स्ट्रिंग अगर हम हिदायत में देते हैं तो जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, तो ये स्ट्रिंग जो जैसी की तैसी हमें टर्मिनल पे कंप्यूटर दिखा देगा। तो दिखाने से हमें फ़ायदा होगा क्योंकि अब वो हमें स्ट्रिंग दिखेगी, वैल्यू ऑफ काउंट इज 25 और वैल्यू ऑफ समथिंग इज सो मच, तो हमें समझ में आएगा कि वो वैल्यू किसकी है। तो इस तरह से स्ट्रिंग हमेशा लिखी जाती है आउटपुट में अपने को समझने के लिए। ये एक इनपुट ऑपरेशन है, ये एक आउटपुट ऑपरेशन है, सॉरी ये दूसरा इनपुट ऑपरेशन है। देखिए अभी इसमें मैंने डिस्कस नहीं किया था क्लास में, आगे करूंगा अगले लेक्चर में। ये जो है एक नंबर दिया जा रहा है, ये नंबर लोकेशन बी में दिया गया, ये जो है एक स्ट्रिंग दी जा रही है, नंबर नहीं है। अब रानडे प्लस टू का कोई मतलब नहीं होगा, बट 437 प्लस टू का मतलब है। तो स्ट्रिंग वैल्यू और नंबर वैल्यू ये अलग अलग है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि इंटीजर वैल्यू और रियल नंबर भी अलग अलग रहते हैं। और एक चीज़ जो हमने अभी तक देखी नहीं है, अगली क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे कि एक बार जो दराज का नाम आपने दे दिया, जैसे ये बी है, तो बी में एक बार आपने 437 नंबर अगर रखना है,
मान लो आपने कह दिया प्रोग्राम को कि बी में मैं खाली इंटीजर वैल्यू रखूंगा, तो कल को आप बी में ये रानडे नाम की स्ट्रिंग नहीं रख सकते। ये पिक्युलरिटी हमने अभी देखी नहीं है, अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि जो भी मेमोरी लोकेशंस होंगे वो हमें पहले डम्बो को बताने पड़ेंगे कि भाई इस मेमोरी लोकेशन में हम इस तरह की वैल्यू रखने वाले, इस मेमोरी लोकेशन में ये रखने वाले, और फिर जो कंप्यूटेशंस हम करेंगे वो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो जिस मेमोरी लोकेशन में हम रानड़े या फाटक या नागेश ऐसी स्ट्रिंग रखने वाले होंगे उसमें हम वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते, उसको नहीं बोल सकते इसको चार से भाग दे दो। अब रानड़े को चार से भाग दे के क्या होगा, कुछ नहीं मतलब उसका निकल। तो ये वैल्यू की टाइप जो है वो इम्पॉर्टेंट होंगे, हम आगे देखेंगे उसको। अब डम्बो कैलकुलेशन कैसे करता है, उसको कैसे हिदायत दी जाती है, तो उसका हमने उदाहरण बताया था कि ये ए और बी दराज है जिसमें जैसे 35 और 12 वैल्यू रखी है, हमें इसकी टोटल निकालनी है सम नाम के दराज में रखने के लिए, तो इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन उसे देंगे, ये सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये इंस्ट्रक्शन तो समझना ईजी है क्योंकि हम अलजेब्रिक इक्वेशन कुछ इसी तरह से लिखते हैं, बस ये बहुत जरूरी समझना कि एक अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है, ये एक हिदायत है, ये एक इंस्ट्रक्शन, और उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन सम इक्वल टू ए प्लस बी ऐसा नहीं होगा, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन हम ये ऐसा नहीं करेंगे कि ये इक्वेशन सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसका हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करना है तो वो ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से लंबा होगा कि डम्बो के लिए इंस्ट्रक्शन है, क्या इंस्ट्रक्शन होगी, मिस्टर डम्बो आप ए की वैल्यू लीजिए, आप बी की वैल्यू लीजिए, आप उन दोनों को जोड़िए और जो भी रिजल्ट आएगा उसको सम नाम के लोकेशन में रखिए, ये मतलब इस इंस्ट्रक्शन का। ये कंफ्यूजन कभी कभी हो सकता है क्योंकि आप सबको इक्वेशन मालूम है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये इक्वेशन है, इक्वेशन में दोनों तरफ की बराबरी जाहिर की जाती है, ये इक्वेशन नहीं है, ये हिदायत है, ये इंस्ट्रक्शन, और ये बिल्कुल याद रखें क्योंकि इस तरह की हिदायतें बहुत आएंगी, किमाना इसी तरह की हिदायतें आपके कंप्यूटर में रहेंगी, क्योंकि कुछ भी कंप्यूट करके अगर किसी स्टोर में रखना है आपको तो इसी तरह की हिदायत रखनी पड़े। तो इसकी हिदायत का मतलब यह आप बिल्कुल समझ लें, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स जेड प्लस समथिंग, दीज आर नॉट इक्वेशंस, ये इक्वेशंस नहीं है। तो ये हिदायत आप मन में अपना पूर्ण, जब भी आप इस तरीके का इंस्ट्रक्शन देखें किसी प्रोग्राम में या आप लिखना चाहें तो आप ये इस हिदायत को इस तरह समझेंगे कि मिस्टर कंप्यूटर ए के लोकेशन की वैल्यू लो, बी के लोकेशन की वैल्यू लो, उन दोनों को जोड़ो और जो भी आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को उठा के सम के लोकेशन में डाल दें, ये उस पूरी हिदायत का मतलब। अब इतनी हिदायतें समझने के बाद हम प्रोग्राम लिख सकते हैं आराम से। तो ये डम्बो किस तरह से ये हिदायत करेगा, इसका मैंने एक उदाहरण दिया है कि ए में 35 है, बी में 12 है, तो उनको कैसे लेके एक रजिस्टर में ले जाएगा, फिर 47 कैलकुलेट करेगा। तो ये देखिए, ये शुरू में यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 12 है, सम नाम के लोकेशन में क्या है हमें मालूम नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मार्क का। लेकिन ये करने के बाद इस तरह से कुछ डम्बो करेगा कि ये यहाँ से 35 लेके कॉपी कर लेगा, यहाँ से 12 लेके कॉपी कर लेगा, इन दोनों को जोड़ के 47 निकालेगा और फिर ये 47 निकालने के बाद वो 47 सम में डाल दे। तो ये इंस्ट्रक्शन पूरी हुई उसकी, और फिर इसको यूज करके हमने फिर प्रोग्राम्स लिखे थे। एक ये किया था कि हमने तीन अलग अलग हिदायतें एक बार में एक हिदायत ऐसी नहीं देना चाहते, हम अपनी पूरी इंस्ट्रक्शन इकट्ठा लिख के देना चाहते हैं जिसको हम प्रोग्राम कहेंगे, और लकीली कंप्यूटर जो है पूरा का पूरा प्रोग्राम पढ़ के याद रख सकता है, याद है ना, किसी मेमोरी में रखेगा वो और फिर एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। तो इंस्ट्रक्शन अपनी अलग मेमोरी में रखेगा, डेटा अलग मेमोरी में रखेगा। ये मैंने कुछ एनिमेशंस बताए थे, समझ में आ गए थे आपको एनिमेशंस, जो डम्बो के किस तरह से वो मेमोरी में इनपुट ला रहा है, किस तरह से एडिशन कर रहा है वगैरह। अब इनको यूज करके ये हमने प्रोग्रामिंग की पढ़ाई असल में यहाँ से शुरू करी। तो प्रोग्रामिंग में हमने पहले एक पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख दिया कि ये एक प्रोग्राम, अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, वही कर रहा है जो हमने डम्बो के सिलसिले में सोचा था। ये फ़र्क जानिए आप कि डम्बो जो है वो हमारा एक मानसिक मॉडल था, हम समझना चाहते हैं कि कंप्यूटर में किस तरह से कंप्यूटेशन होते हैं, अब जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअल सी प्रोग्राम है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम। इस तरह के प्रोग्राम लिखना हमें सीखना है,
और प्रोग्राम नेचुरली कुछ प्रोसेसिंग के लिए लिखे जाते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिखे जाते हैं। तो हमें इस कोर्स में क्या सीखना है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को कंप्यूटेशनल मॉडल कैसे बनाए, किस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्व मिलेगा ये समझे, उस डेवलपमेंट को बोलते हैं एल्गोरिथम बनाना, यानी स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटेशनल प्रोसीजर क्या होगा ये मन में सोचना पड़ेगा। वो सोचने के बाद हम कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, वो इंस्ट्रक्शन किस तरह से लिखी जाएंगी इसके लिए हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने वाले, और वो इंस्ट्रक्शन लिख के प्रोग्राम किस तरह से कंपाइल और एग्जीक्यूट किया जाए उसके लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी ले ली पहले। अब ये प्रोग्राम देखेंगे, 3 प्रोग्राम मैंने लिखे थे, ये प्रोग्राम समझने में शायद पहली बार अगर हमने देखा तो इन्हें दिक्कत आएगी। अब देखिए कि इस पूरे इसमें जो मुझे समझ में आ सकता है पुरानी स्लाइड देख के, मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं आता आपके जैसा जरा भी, तो पूरे प्रोग्राम में मुझे ये लाइन समझ में आ रही, सी आउट गिव टू नंबर्स सी इन ए बी सम इज इक्वल टू ए प्लस बी सी आउट सम इज सम, ये इंस्ट्रक्शन तो समझ में आ गई क्योंकि डम्बो से हमने यही काम करवाया था कि 2 नंबर पढ़ो ए बी, फिर वो 2 नंबर का टोटल कैलकुलेट करो, जो रिजल्ट आया वो सम में रखो और सी आउट सम, इतना तो समझ में आ गया। ये बाकी लाइनें क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, ये बाकी लाइनें कंपल्सरी लिखना पड़ती है, ये C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, वो कोई आर्बिट्ररी रिक्वायरमेंट नहीं है, हर लाइन का एक मकसद है, हर लाइन का एक मीनिंग है। हम इतना अभी कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम ये इसलिए लिखेंगे, कोई तो भी बोल रहा है कि ऐसा लिखे बगैर प्रोग्राम नहीं चलेगा इसलिए लिख देंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हर लाइन का मतलब हम समझेंगे, और जब तक पूरा ये कोर्स खत्म हो जाएगा तब तक आपको हर लाइन का मतलब पूरी रूप तरह से समझ में आ जाए। तो इसलिए अभी दिमाग में दिक्कत हो तो कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ लाइनों का मतलब समझ लेना चाहिए। अब जैसे ये लाइन है स्लैश स्लैश, ये स्लैश स्लैश का मतलब होता है कि जो भी मैंने लाइन लिखी है वो डम्बो के लिए हिदायत नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये जो मेरे साथी लोग या मैं खुद मेरे प्रोग्राम को पढ़ूंगा तो मुझे याद आए कि मैंने क्या लिखा था, किसके बारे में लिखा था, इसको बोलते हैं कमेंट। और कोई भी प्रोग्राम आप लिखें तो कमेंट लिखना जरूरी है, क्योंकि कमेंट लिखने से ही बाद में अपनी याददाश्त ताजी कर सकते हैं कि भाई किसके बारे में क्या लिखा था। जैसे यहां लिखा है दिस प्रोग्राम रीड्स टू इंटीजर नंबर्स एंड कैलकुलेट द सम, ये पूरी की पूरी लाइन आप हटा दो तो भी प्रोग्राम वैसे ही चलेगा जैसे पहले चला, इस लाइन का कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं, ये लाइन हमने हमारे लिए लिखी है। अब वो कैसे पता चले कंप्यूटर को भाई ये लाइन मेरे लिए नहीं है, इसलिए ये शुरू शुरू में स्लैश स्लैश जैसे 2 बार लिख दिया, ये कन्वेंशन है, कोई भी लाइन स्लैश स्लैश से शुरू हुई उसका मतलब जो भी लाइन में लिखा है वो कंप्यूटर के लिए नहीं है हमारे लिए है, उसको कमेंट बोल देते। तो इस प्रोग्राम से हम ये समझे कि हमें ये 3 लाइन तो समझ में आ गई, सी इन ए बी सम इज इक्वल टू ए प्लस बी सी आउट सम, ये 3 लाइन समझ में आ गई, ये इनपुट है, एक कैलकुलेशन है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके सम में रख रहा है और ये आउटपुट है। फिर ये कमेंट समझ में आ गया, बाकी लाइनें हमें अभी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि भाई कुछ लाइनें हैं हो सकता है C++ को जरूरत हो जो वास्तव में सच है, धीरे धीरे हम इनके बारे में समझे। ये एक दूसरा प्रोग्राम है, जैसे हमने फेरनहाइट टू सेंटीग्रेड बोला था, ये प्रोग्राम जो है सेंटीग्रेड टू फेरनहाइट कन्वर्ट करता है, तो ये क्या कन्वर्ट करेगा, तो ये कन्वर्ट करने में हमें मालूम है कि कैसे कन्वर्शन, एक हम सेंटीग्रेड की वैल्यू देंगे, फिर वो एक फार्मूला लिखेंगे डम्बो को बोलेंगे कि इस फार्मूले से कैलकुलेट करो, और फिर एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन देंगे। अब आप ये प्रोग्राम भी पूरा देखे बगैर आप खाली यहाँ देखें सी इन ग्रेटर ग्रेटर सी, ये तो समझ में आ गया आपको, ये इंस्ट्रक्शन है कि भाई सी नाम की वैल्यू पढ़ो, आप जो वैल्यू हम देंगे वो पढ़ो और सी नाम के लोकेशन में रख दो। दूसरी हिदायत है एफ इज इक्वल टू सी स्टार 9/5+32, चूंकि हमें फार्मूला मालूम है इसलिए हम ये सोच सकते हैं कि ये जो लिखा है एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेगा सेंटीग्रेड टू फेरनहाइट। तो इस कैलकुलेशन में क्या है, सी जो नंबर दिया है हमने, जो मेमोरी में आपने रखा है, उसको 9 से गुणा करो, उस टोटल को 5 से भाग दो, उस सबको 32 ऐड करो, और जो भी वैल्यू आएगी वो एफ नाम के दराज में डालकर रख। और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है सी आउट एफ, ये भी हमें समझ में आ गई कि जब ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो हमें एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो जो काम की बात है वो हमारे समझ में आ गई, वो प्रोग्राम किस तरह से लिखना ताकि हम कोई एक सेंटीग्रेड की वैल्यू कंप्यूटर को दे तो वो ले ले हमसे,
एक सी नाम के दराज में रखे, फिर वो कंप्यूट करे, कंप्यूटेड वैल्यू एफ नाम के दराज में रखे और एफ की वैल्यू हमें दे दे। ये तीन इंस्ट्रक्शन देने से हमारा काम हो जाए। बाकी जो इतना हिज्जा पुर्जा लिखा है उसका पूरा मतलब हमें समझ में नहीं आया भले ही, लेकिन दो लाइनें तो हम समझ सकते हैं, स्लैश स्लैश टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेंटीग्रेड इंटू फेरनहाइट, ये हम समझ सकते हैं कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये हमने हमारे फायदे के लिए लिखा है, क्योंकि ये प्रोग्राम बाद में जब प्रिंट होगा या दिखेगा हम एडिट करेंगे तो हमें समझना चाहिए कि क्या लिखा। पहली जो लाइन लिखी है इसमें लिखा है कन्वर्ट सी टू एफ डॉट सी पी पी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लिखने से पता चलता है ये जो प्रोग्राम जो हमारे डिस्क में स्टोर हुआ है किस फाइल में स्टोर, ये फाइल का नाम है। जैसे मिड सेम मार्क्स फाइल का नाम था, वैसे ही इस फाइल का नाम। तो हर प्रोग्राम जब हम टाइप करेंगे एडिट करेंगे वो कहीं स्टोर करने के लिए कहाँ स्टोर कर, नाम तो रहे, ये फाइल का नाम है, तो उस फाइल का नाम ये डॉट सी पी पी हमेशा सी प्लस प्लस प्रोग्राम फाइल का नाम होगा, ये कन्वेंशन, ये हमें मालूम है। अब हमें इस प्रोग्राम में, और मैं पिछली स्लाइड बताता हूँ, ये जो पिछला स्लाइड देखिए, पिछले स्लाइड में इंट मेन कुछ तो भी लिखा है, ओपनिंग ब्रास लिखा है, रिटर्न जीरो लिखा है, क्लोजिंग ब्रास लिखा है। अब ये दूसरा प्रोग्राम देखें, इसमें भी साला यही दिख रहा है, इंट मेन ओपनिंग ब्रास रिटर्न जीरो क्लोजिंग ब्रास, इसका मतलब हमें नहीं मालूम, लेकिन आप और हम ये तो समझ सकते हैं कि शायद हर सी प्रोग्राम में इस तरह का कुछ होना जरूरी है, जो सच है। हर सी प्रोग्राम में एक इंट मेन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रास होना चाहिए, और प्रोग्राम खत्म होते समय आखिरी दो लाइनों में एक रिटर्न जीरो होना चाहिए, उसके बाद में एक क्लोजिंग ब्रास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हमें अभी तक पता नहीं, बाद में पता करेंगे, लेकिन होना चाहिए इतना तो हम समझ गए। तो चलो ये एक और चीज़ समझ में आ गई कि भाई हर प्रोग्राम जो भी हम लिखें हमारे इंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है, ये तो हमें धीरे धीरे समझ आ रहा, बाकी ये हम अपने आप लिखते चले जाएं। और थोड़ा समझने के लिए एक सैंपल देखने के लिए हमने एक तीसरा प्रोग्राम लिया था। हमने ये देखा कि ये दो प्रोग्राम हमने देखे, दो प्रोग्राम में कुछ लाइनें हमारे समझ में आई, कुछ लाइनें समझ में नहीं आई। जो लाइनें समझ में आ गई उससे ये तो पता चल गया कि हम इनपुट इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, कंप्यूटेशन कैसे करवाएंगे, कंप्यूटेशन करके रिजल्ट वैल्यू एक स्टोर कैसे करवाएंगे मेमोरी लोकेशन में, और आउटपुट इंस्ट्रक्शन से वो वैल्यू हम कैसे लेंगे, ये समझ में आ गया। बाकी लाइनें कुछ थोड़ी समझ आई, कुछ थोड़ी समझ नहीं आई, देख लिया है। तो आज की तारीख में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमें नहीं मालूम ये क्यों लिखी जा रही है, लेकिन लिखना जरूरी, इसलिए लिख दे, वो लिख देंगे। हमारे काम की चीज़ हमें ठीक से लिखना आना चाहिए, बाकी कोई जरूरी, बाकी हम मैकेनिकली लिख दें उसको, क्योंकि वो सी कंपाइलर उसके बगैर समझेगा नहीं कि क्या क्या हो रहा है। ये और थोड़ा हमने एक और प्रोग्राम ले लिया था, ये एक तीसरी प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी थी, और कंसोलिडेट करने के लिए हमारी सोच जो है, हमारी समझ जो है, और ठीक से करने के लिए। और ये प्रॉब्लम हमने ली थी कि एक फार्मूला है उसको कैलकुलेट करना, वो फार्मूला हमने लिया था एन वन बाय एन टू प्लस एक्स, ये कैलकुलेट करो उसकी वैल्यू भी निकालो, और ये फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, और हम वो प्रोग्राम ऐसे लिखना चाहते हैं कि हम कैलकुलेट करें एन वन की वैल्यू दो है, एन टू की पाँच है, और एक्स की तीन है। असल में ये अगर कोई मुझे प्रॉब्लम देगा तो मुझे दो सवाल आएंगे कि ऐसे लल्लू चीज़ के लिए मैं कंप्यूटर प्रोग्राम क्यों लिखूं, मेरे को तो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं, मैं मुँह जबानी कैलकुलेट कर लूँगा। तो क्यों लिख रहा हूँ प्रोग्राम, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग समझना चाहता हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। तो वो जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे प्रोग्रामिंग सीखना है, तो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मैं देख रहा हूँ कि ये किस तरह से प्रोग्राम लिखूंगा इसके लिए मैं। तो ये जो ये प्रोग्राम जो क्लास में मैंने एनालाइज किया था वो मैंने आपकी तरह एनालाइज किया था, कि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे आपकी तरह कुछ भी कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में मालूम नहीं है। अभी तक मैंने ये दो सैम्पल प्रोग्राम लिखे हैं, देखें, अब कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं वहाँ बैठा हूँ आपके साथ, तो मेरे मन में क्या विचार आएंगे जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो देखिए, वो मैंने लिखने की कोशिश की थी ताकि मैं आपके नजरिए से इसे देख सकूं। तो मेरे विचार क्या होंगे ये मैंने अपनी स्लाइड में बताया। अब मैं ये प्रॉब्लम देखता हूं, तो ये प्रॉब्लम मैं सोचता हूं कि पहले तो मैं इसकी वैल्यू देख लूं, मैं प्रोग्राम लिखूंगा बाद में, जब प्रोग्राम रन करूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलना चाहिए। तो चूंकि वैल्यू दे रखी है एन वन और एन टू की, तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 3.4 बनती है, क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर मैं ये वैल्यू रखूं
तो एन वन बाय एन टू होता है 2/5, उसमें एक्स ऐड होगा जो 3 है, 2/5 होता है 0.4, और 0.4 + 3 होते हैं 3.4। तो इस इक्वेशन की वैल्यू जब भी मैं प्रोग्राम लिखूं, उस प्रोग्राम को डम्बो से एग्जीक्यूट करवाऊं, तो 3.4 आनी चाहिए, इतना मैं समझ गया। अब मैं प्रोग्राम को देखता हूं, ये टीचर ने प्रोग्राम लिख के दे दिया यहां पे, ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को देख के मेरे मन में क्या क्या आता है, ये मैंने लिखने की कोशिश की है। आप देखें कि आपके मन में वही चीजें आ रही हैं या और भी कुछ आ रहा है, और कुछ आ रहा है तो सवाल पूछें, अगर ये सही है तो उसको थोड़ा और समझ। ये मैं लाइनें पढ़ रहा हूं, एक बार मैं पूरा पढ़ लेता हूं, क्योंकि इस तरीके के प्रोग्राम आपको लिखने हैं तभी वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ये क्या लिखा है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी / इवेल्युएट अंडरस्कोर फॉर्मूला डॉट सीपीपी / कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ ए फॉर्मूला इंट मेन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रास इंट n1, n2 सेमीकोलन फ्लोट x, v सेमीकोलन n1 = 2, n2 = 5 x = 3 v = x + n1/n2 सेमीकोलन सी आउट लेस वैल्यू इज, और उसके बाद में फिर वही अपना पुराना रिटर्न जीरो और क्लोजिंग ब्रास जिसके बारे में हमें आज तक पता नहीं। ये लाइनें आ गई, अब इसमें से कुछ लाइनें तो आपके बिल्कुल समझ में आ गई क्या हो रहा है, कुछ लाइनें अभी तक समझ में नहीं आई। तो जैसे मैं आप में से एक हूं ऐसा सोच के मेरे दिमाग में क्या आता है, ये मैंने कुछ अगले स्लाइडों में लिखा। ये पहली दो लाइनें देखता हूं तो मेरे दिमाग में आता है कि भाई मेरे को समझ नहीं आया क्या है, शायद ये कंप्यूटर को जरूरी है, और ये चूंकि इंक्लूड वर्ड लिखा है इसका मतलब कंप्यूटर जो है और कहीं जगह लाइब्रेरी में कुछ तो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको इंक्लूड करके वो मेरे प्रोग्राम के साथ लगाना चाहता है। असल में सत्य ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा इलाबोरेट है, अभी हम उसके बारे में नहीं सोचे, लेकिन ये पक्का है कि हर प्रोग्राम के शुरू में हम ये दो लाइनें लिख दें। और जैसे हम लोग जब बचपन में पढ़ते हैं तो कोई भी लिखना क ख ग लिखने से पहले ऊपर क्या लिखते हैं, श्री गणेशाय नमः, हिंदू लोग लिखते हैं, ओके, हर धर्म के लोग कुछ तो भी लिखते हैं। जब हम छोटे रहते थे उसका मतलब अपने को समझ में नहीं आता, हाँ गणेश का नाम सुना इसलिए गणेशाय, लेकिन जो लिखावट है श्री गणेशाय नमः, ये अक्सर गुरु या माँ या पिता कोई लिख के देते स्लेट पे, हमारे बचपन में ऐसा होता, और फिर उसके आगे हम क ख ग लिखते हैं, तो क्यों लिखा है मालूम नहीं है, बाद में बड़े होकर पता चलता। तो उसी तरह से ये इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्यों लिखा है, इंक्लूड रिवर क्यों नहीं लिखा, ये इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, ऐसे ही लिखते चले जाए। अगली लाइन देख, ये तो हमें समझ आ गई, ये तो कमेंट्स हैं, ये कंप्यूटर को कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए लिखे हैं हमने। ये लाइन इंट मेन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रास, ये अपने को पल्ले नहीं पड़ा कुछ, तो मेन लिखा है, मेन का मतलब मुख्य होता है अंग्रेजी में, तो कोई तो भी महत्व की चीज होगी, शायद मेरा मेन प्रोग्राम जो है यहां से शुरू हो रहा है, ऐसा मैं विद्यार्थी करके सोच सकता हूं, पता नहीं मुझे पक्का, असल में ये मेरी सोच सही है, यहां से मेरा प्रोग्राम शुरू होता है और जो आखिरी में जो ओपनिंग ब्रास है यहां पर खत्म होता है। आप देखिए ब्रैकेट्स अभी भी एक्सप्रेशन में आप लिखते तो मिलाते हैं, जितने ओपनिंग ब्रैकेट होंगे उतने क्लोजिंग ब्रैकेट होने चाहिए आपके इक्वेशन में भी, उसी तरह प्रोग्राम में भी ये जो ओपनिंग ब्रास है अलग तरीके का ब्रैकेट, ये देखिए शुरू यहां से हुआ यहां पे खत्म हुआ, ये मैचिंग है। आगे जब बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे तो ऐसे ब्रासेस कहीं आएंगे, ऐसे ब्रास की पेयर्स हमेशा मिलानी पड़ेगी, जो ओपनिंग होगा वो क्लोजिंग होना चाहिए, जो मेन के बाद में जो ब्रैकेट है ओपनिंग और क्लोज दोनों, हाँ वो क्यों है, इसके लिए ये पढ़े, सीम्स टू बी समथिंग इंपॉर्टेंट बट कैनॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग। अब मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं आपके साथ वहां बैठा हूं और जैसे आपके दिमाग में आ रहा है मेरे भी दिमाग में आ रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट बाद क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए, अब कुछ होना चाहिए बीच में, आज तक मैंने विद्यार्थी करके जो भी लिखा है ब्रैकेट के अंदर कुछ तो भी है फिर ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट एक साथ मैंने कभी भी लिखे नहीं, तो मैं तो विद्यार्थी करके आप जैसा अगर सोचूंगा तो ये C++ कंपाइलर जरूर पागल है, लेकिन पागल से पाला पड़ा है और वो ऐसा ही समझता है, तो आज की तारीख में मैं ऐसा ही लिख दूँ। असल में जो ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट होते हैं वो जब जैसा हम बाद में पढ़ेंगे क्लास में, कोई भी फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो फंक्शन को पैरामीटर देने के लिए
पैरामीटर की जो लिस्ट होती है उसको ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट में इनक्लोज किया जाता है। जो मेन फंक्शन होता है उसको हम कोई पैरामीटर नहीं देते, वो मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करते हैं। जब हम बोलते हैं हमारा प्रोग्राम चालू करो, इसका मतलब क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम लोड करेगी और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन चालू करेगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा मेन से शुरू करती है। असल में मेन प्रोग्राम में भी पैरामीटर्स होते हैं जो यूज किए जा सकते हैं। उनका वो दो, एक तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स करके एक पैरामीटर होता है आर्गसी, और एक एरे होती है ईच पैरामीटर सेपरेटली कॉल्ड आर्गवी। तो ये दोनों पैरामीटर होते हैं जो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर हमें उन पैरामीटर्स की जरूरत नहीं है या किसी में कोई पैरामीटर है ही नहीं, तो हम खाली ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट लिख सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन फ्यूचर का है। अभी आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि ब्रैकेट के अंदर अक्सर कुछ ना कुछ होगा, इस प्रोग्राम के लिए वो जरूरी नहीं है इसलिए नहीं लिखा। लेकिन मेरा कहना उसके ऊपर यह है, ये एक्सप्लेनेशन भी मुझे जानने की जरूरत ही नहीं। जब तक मैं वो समझूं तब तक आज की तारीख में मुझे ये कंप्यूटेशन करना, तो ये भैया इंट मेन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट मैं लिखता रहूंगा, बिल्कुल ऐसे लिखूंगा, सी प्लस प्लस के समझ में आ जाए। तो ये मेरी जो समझ है वो ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट तो लग रहा है लेकिन कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग, परहैप्स इट शोज द बिगिनिंग ऑफ मेन प्रोग्राम, यहां से मेन प्रोग्राम शुरू हुआ। अब ये चीजें मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे वेरिएबल्स है फॉर्मूला के N1 N2 वगैरह, ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ, यानी शायद मैं डम्बो को हिदायत दे रहा हूँ कि इसमें से हर नाम के लिए एक दराज रिजर्व कर लो। N1 नाम का एक दराज हो, N2 नाम का दराज हो, X नाम का दराज हो, V नाम का दराज। लेकिन ये इंट और फ्लोट ये क्या है ये मुझे पता नहीं, चूंकि मैंने फार्मूला में वैल्यूज देखी है। आप पुरानी स्लाइड देखें, यहाँ पे N1 की वैल्यू 2 थी, N2 की वैल्यू 5 थी, ये दोनों इंटीजर वैल्यूज थी। तो इसलिए N1 N2 जब मैंने इंट लिखा तो शायद इसका मतलब ये इंटीजर वैल्यूज उन दराजों में रहेंगी, ऐसा मेरा अंदाज है, मुझे पक्का पता नहीं, हो सकता है कि इंटीजर वैल्यू। कन्फ्यूजन मेरा इसलिए है कि एक्स की वैल्यू भी 3 थी, एक्स की भी इंटीजर थी, लेकिन मैं एक्स को यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे फ्लोट एक्स लिख दिया। अब ये फ्लोट का मतलब तो मैंने जिंदगी में पहली बार ये शब्द सुना है फ्लोट, पहली बार नहीं, पहले जब मुझे किसी ने स्विमिंग सिखाया होगा तो उस समय बताया था कि फ्लोट ऑन द वाटर, तो उस जमाने में फ्लोट सुना था। अब ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, तो ये मैं दिमाग में अपने नोंद करके रख रहा हूँ कि भाई ये मेरे को थोड़ा समझ आया थोड़ा नहीं आया। लेकिन अब मेरे लिए क्या समझना जरूरी है, मेरे लिए ये समझना जरूरी है कि भाई इनका मतलब डेफिनेशन से है, कहीं तो भी मैं डम्बो को बोल रहा हूँ कि ये नाम मैं यूज करने वाला हूँ प्रोग्राम में, और इन नामों के नाम से दराज बना दो आप एक, तो कंप्यूटर मेमोरी का रिजर्वेशन आप कर दो, इसका मतलब ये। आगे देखें इंस्ट्रक्शन, अब ये इंस्ट्रक्शन तो मेरी समझ में आ गई पूरी। ये देखें N1 इक्वल टू 2 का मतलब इक्वेशन नहीं है, N1 इक्वल टू 2 कैसे ट्रांसलेट करेंगे, नंबर दो वैल्यू लो और उसको N1 नाम के दराज में रख दो, 5 वैल्यू लो उसको N2 नाम के दराज में रख दो। 5 क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में 5 लिखा, समथिंग प्लस समथिंग लिखा होता था उसको बोलते हैं, उसको कैलकुलेट करो, जो भी वैल्यू आएगी वो दराज में रख। N2 इक्वल टू 5 में वैल्यू खाली 5 आती है, दूसरा कुछ है ही नहीं कंप्यूट कर, तो 5 वैल्यू लेके N2 में रख। X इज इक्वल टू 3, अब ये तीसरा जो इक्वेशन मैंने लिखा है V इक्वल टू X प्लस N1 स्लैश N2, ये मैंने डिलीबरेटली थोड़ा उल्टा पुल्टा करके लिखा। वो इक्वेशन क्या था आपको याद होगा, N1 बाय N2 प्लस X, ऐसा था उसका, मैंने हिसाब लगाया था कि भाई ये जो वैल्यूज दिए उसके हिसाब से 3.4 उसका उत्तर बनता है। अब यहाँ पे प्रोग्राम में तो लिखा हुआ है X प्लस N1 बाय N2, तो मुझे चूंकि पता नहीं कि डम्बो किस तरह से कैलकुलेशन करेगा, तो मेरे दिमाग में ये विचार अवश्य आएगा कि भाई अगर इस तरह से लिखा है हो सकता है शायद डम्बो X और N1 को पहले ऐड कर ले, और चूंकि इनकी वैल्यू 2 और 3 है तो वो एडिशन हो जाएगा 5, और फिर उसको डिवाइड करेगा N2 से 5/5, यानी उत्तर आ जाएगा 1, तो ये उत्तर गलत होगा, इतने मेरे दिमाग में आए। इसलिए मैंने लिखा है कि ये समझ तो आती कि इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन अगर मेरा बस चलता तो चूंकि यहां मुझे कंफ्यूजन है इसलिए मैं इसको ऐसा नहीं लिखता। मैं कैसा लिखता,
v इक्वल टू एन वन स्लैश एन टू प्लस एक्स, करेक्ट? अगर आप मुझे बोलो, मैं विद्यार्थी हूँ, आप लोग प्रोग्राम लिखो इसके लिए, तो मैं ऐसा नहीं लिखता भाई, जो ओरिजिनल इक्वेशन लिखा है मेरे समझ में वो इक्वेशन मैं ऐसा ही लिखूं। अब हम बाद में देखेंगे अगले हफ्ते में कि ऐसा भी लिखे या ऐसा भी लिखे तो उत्तर वही आता है। क्यों आता है? क्योंकि डंबो के जो नियम है एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के, वो कुछ इस तरीके के हैं कि वो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन होगा एक एक्सप्रेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन पहले करेगा, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पहले करेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में करेगा, ये उसका नियम है। हमें अभी तक मालूम नहीं है, डंबो को मालूम, इसलिए ये एक्चुअली कैलकुलेशन सही होगा। ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन भी हमने देखी हुई है, और लास्ट में ये जो है ये रिटर्न जीरो, ये हमें अब तक समझ नहीं है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, हमारे हमें तो कंप्यूट करना था, प्रिंट करना था, बाद में छुट्टी करनी थी। तो इसका असल में उत्तर यह है कि हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो अधर में नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको लोड किया है रन करने के लिए, तब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी। अब जो इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी तो जो प्रोग्राम है वो बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा, भाई मेरा काम खत्म हो गया, अब किसी दूसरे का प्रोग्राम लगाओ आप। तो बाद में हम देखेंगे कि इस तरह से जो इंट मेन लिखा है और रिटर्न जीरो लिखा है, ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को लोड करेगी, उसको एग्जीक्यूट करेगी और बाद में प्रोग्राम रिटर्न कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसी तरह से हम जब बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे तो हम उस प्रोग्राम में अपने खुद के फंक्शंस भी लिख सकते हैं जिनको हम बुला सकते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम को बुलाती है, वैसे हम अपने किसी और फंक्शन को बुला सकते हैं। जब हम अपने फंक्शन को बुलाएंगे वो फंक्शन कुछ कैलकुलेशन करेगा और बाद में वो भी रिटर्न करेगा, वो हमको रिटर्न करेगा वैल्यू। उस वैल्यू को कैसे रिटर्न करेगा, हम उस फंक्शन को किस तरह से कुछ वैल्यूज लेके जाएंगे, ये सब हम प्रोग्रामिंग में पढ़े। लेकिन आज की तारीख में ये प्रोग्राम आपकी समझ में आ गया कि ये लाइनें कंप्यूटेशन किस तरह से कर रही हैं। अब जो लास्ट स्लाइड मैंने बताया था कि मुझे आगे क्या करना जरूरी, हाँ मैंने वही कहा था कि मेरे सवाल, मेरे दिमाग में भी वही सवाल आया था कि एक्स को क्यों नहीं लिखा, एक्स को फ्लोट लाइन में क्यों लिखा, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले। ये इंटीजर क्या है, ये फ्लोट कौन बनता है, और ऐसा लिखने का क्या मतलब है, वैसा लिखने का क्या मतलब होगा, ये सब हिज्जे पुर्जे हम डंबो के हिसाब से अगले वीक में जो डिस्कशन होगा वो वैल्यू की टाइप क्या होती है, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन किस तरह से होता है, इस तरह से लिखे तो क्या इवैल्यूएट होगा, उस तरह से लिखे तो क्या इवैल्यूएट होगा, कोई भी वैल्यू हो, जैसे देखिए इंट लिखा है, इंट का मतलब इंटीजर होगा। अच्छा, क्या मैं 50 आंकड़ों की संख्या स्टोर कर सकता हूँ डंबो के अंदर, क्या मैं 100 आंकड़ों की संख्या स्टोर कर सकता हूँ, क्या मैं 5 आंकड़ों की संख्या स्टोर कर सकता हूँ, लिमिट क्या है डंबो की कैपेसिटी, क्या हमें मालूम है, नहीं मालूम। लेकिन 4, 20, 17 ये नंबर हम सोचते हैं कि वो डंबो को समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मेरी एन वन की वैल्यू होती 172453792148511121794812134Y6, मेरे को भी समझ में नहीं क्या वैल्यू डंबो का आ जाती समझ में, आपको पता है? आज पता नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है क्योंकि मुझे मेरा डंबो ज़्यादा मालूम है, अगले हफ्ते आपको भी मालूम हो जाएगा। उसको बोलते हैं वैल्यूज़ की लिमिट्स क्या, किस लिमिट के अंदर वैल्यू रिप्रेजेंट हो सकती है, किसके लिमिट के बाहर नहीं हो सकती, क्यों जानना जरूरी है लिमिट। समझ लीजिए कि डंबो जो है 3 डिजिट नंबर स्टोर कर सकता है, 1234 up to 999। अब मान लो मैंने लिखा उसको n1 और n2 और v इक्वल टू n1 प्लस n2। अगर n1 300 है और n2 500 है तो v इक्वल टू 800 होगा। अगर n1 900 है और n2 800 है तो v क्या होगा, 900 और 800 कितने हो गए, 1700। अब वी जो है वो भी अगर इंटीजर है तो 1700 तो उसके बस की बात नहीं, क्योंकि 3 डिजिट नंबर स्टोर कर सकता है, तो क्या करेगा वो, 170 करेगा, 700 करेगा, या गलत है करके बना कर देगा। समझे ना आप, क्यों जरूरी है जानना कि क्या लिमिट है, ये हम अगले हफ्ते डिस्कस करने वाले। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि ये जो फनी लाइन्स हैं इनका मकसद क्या है मुझे आज मालूम नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैं सोच सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझ लूँ कि ये इनकी जानकारी मेरे लिए आवश्यक नहीं है,
मैं अच्छे सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स लिख सकता हूं और वो डम्बो से एग्जीक्यूट करवा सकता हूं। भले उन लाइनों का मतलब मुझे नहीं मालूम हो, लेकिन मैं वो लाइनें बिल्कुल लिख दूंगा, जैसी लिखी है वैसी लिखूंगा। चल भाई तेरे लिए लिख दी, तू समझ ले। मेरे काम की जो लाइनें हैं वो मुझे लिखना आना चाहिए, मेरे काम की जो हिदायत है वो मुझे लिखना आना चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन लिखना आना चाहिए। वो क्या इंस्ट्रक्शन है जो मैं नाम यूज कर रहा हूँ, वो नाम किस तरह से लिखे जाए, उस नाम के साथ साथ क्या वैल्यूज होनी चाहिए, किस तरह के कैलकुलेशन मैं करना चाहता हूँ और कैलकुलेशन करेक्टली हो रहे हैं कि नहीं, और ये समझने के लिए मुझे जानना जरूरी कि क्या डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज किस तरह की रिप्रेजेंट होती है अंदर, किस तरह के कैलकुलेशन होते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, 3 डिजिट लिमिट है, उसकी क्या लिमिट है, लिमिट के बाहर चला जाए तो क्या होगा। ये चीजें अगर मैं समझ लूं तो मुझे जो भी कंप्यूटेशन मेरे फील्ड में करना है उसके लिए मैं सही इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं। वेल दैट्स ऑल, एनी क्वेश्चंस? सर स्लाइड के अंदर ये अपने स्लैश लगाया, ये अपन सिर्फ रीड कर रहे हैं, ये कंप्यूटर इसको कमांड, तो सर ये स्लैश लगाना ही जरूरी है या फिर कुछ और भी अपन यूज में ले सकते हैं? हाँ, ये इसका सवाल है, स्लैश लगाना ही जरूरी है, दूसरा कुछ कर सकते हैं वो कल मैं अगले हफ्ते जो प्रोग्राम बताऊंगा उसमें बताऊंगा। ये इसके अलावा दूसरा तरीका है, लेकिन ये दो ही तरीके हैं, तीसरा तरीका नहीं है। ये अगर आपने नहीं लगाया ठीक है, तो डम्बो सोचेगा कि ये मेरे लिए कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। अब वो देखेगा सी इन है नहीं है, सी आउट है नहीं है, समथिंग इक्वल टू समथिंग है नहीं है, तो वो आपको एक एरर मैसेज देगा कि भाई आप ये क्या लिख रहे हैं मेरे समझ के बाहर, ये लाइन जो है उसको समझ में नहीं आई। और जैसा मैंने कहा, डम्बो जो है वो एक खींच के झापड़ नहीं देता, आपने गलती करी, आपको लिख देता है मेरे समझ में नहीं आया, तो आप वो लाइन नंबर देगा, तो आप वो लाइन नंबर पे जाके देखो क्या ये इंस्ट्रक्शन है नहीं। डम्बो को खाली उसकी भाषा में जो इंस्ट्रक्शन डिफाइन की हुई है वही समझ में आता है, दूसरा कुछ समझ में नहीं आता, दूसरा आप कुछ भी लिखेंगे वो गलती कर दे। तो अच्छा, कमेंट्स लिखना इसलिए ज़रूरी है कि बाद में आप और मैं पढ़ने वाले हैं उस प्रोग्राम, तो किसके बारे में प्रोग्राम है, क्या कर रहे हैं हम, ये लिखना आवश्यक, तो इसलिए उसको कमेंट लिखना। तो कमेंट लिखने के तरीके भी हम क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।